Yes, in common scenario, we are not, you can say, aware of that who is a member of this party, कौन है उस particular party का member, तो लोग किसी को बताते भी नहीं है ना. लेकिन ये चीज जो है वो क्लियर कट आपके सामने होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी ये पर्सन इस पार्टी के लिए काम करते हैं, इनकी लॉयल्टी इनके लिए है, ताकि कल को अगर लोग जब वोट करते हैं तो उनके माइंड में एक लीडर की ऑनेस्ट जो है वो क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए. इसका मतलब है इंटरनल इलेक्शंस इन द पार्टी का मतलब है इनसाइड द पार्टी इम्पॉर्टेंट इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फॉर इम्पॉर्टेंट सीट्स एंड पोस्ट ऑल्सो सो दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन should be given to all the party members and all the party members ordinary workers they can get equal you can say popularity unko popularity proper mile taki log unko jane theek hai. next ye bhi suggestion hai ye bhi government abhi tak aisa isko kiya nahi hai to pehle maine kaha tha aapko steps taken by government ye fourth aayega suggestions mein ya reforms mein. fifth quota for women particular quota means seats. इसमें कोटा का मतलब है सीट्स टिकट सीट्स फॉर द वुमेन. कहने को तो हम कहते हैं एम आई ऑडिबल बेटा ओके. कहने को तो कहते हैं कि हाँ जी मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन आर सोसाइटी. लेकिन आपको पता है जब इलेक्शंस में टिकट देने की बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टीज मेनली मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं. सपोज एक पार्टी है उसको ये पता लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पावरफुल जो है वो मेल जो है उन्होंने उनको टिकट दी है, तो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी जो बी पॉलिटिकल पार्टी है उसके माइंड में भी यही आएगा कि हम भी अपनी पार्टी में किसी मेल स्ट्रॉन्ग मेल कैंडिडेट को ही टिकट दें. वाई ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा रीजन है, व्हाट विल बी द रीजन. अब देखो आप 21 जनवरी तक सभी पार्टीज वेट कर रही हैं. जब हम कहते हैं ना कि वो अपने मतलब जो जिन्होंने जिनको भी उन्होंने टिकट दी है वो डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं. वो दूसरी पार्टीज की वेट कर रहे हैं कि दूसरी पार्टीज किसको टिकट देती है ताकि इमिडिएटली वो अपना डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट चेंज कर सके. क्यों क्यों ऐसा होता है. अभी आपको पता है कि आपको आप न्यूज पेपर अगर पढ़ते हो गए तो स्ट्रांगली मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई भी अपना जो कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रॉपरली जो है वो पब्लिसिटी अभी नहीं की है. दे आर वेटिंग फॉर 21 जनवरी एंड 21 जनवरी को सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स के नेम जो है वो ओपन कर देंगे, डिस्क्लोज कर देंगे. सम पार्टीज आर वेटिंग. वाई क्यों ऐसा होता है. अगर आप एक तरफ एक मेल कैंडिडेट है, दूसरी बाकी पार्टीज उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी ये डिसाइड करेंगी कि हाँ जी हम भी किसी मेल स्ट्रॉन्ग मेल कैंडिडेट को ही टिकट दें. क्यों ऐसा होता है बच्चे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन. रेज योर हैंड. यस कृतिका, हाँ जी कीप योर माइक ऑन. व्हाई दिस हैपन. जनरली ये देखा गया है. व्हाई दिस हैपन, क्यों ऐसा होता बेटा. कीप योर माइक ऑन. व्हाट डू यू थिंक. हाँ जी नैना कीप योर माइक ऑन. हेलो. हाँ जी बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. नैना व्हाई दिस हैपन, व्हाई एनी पॉलिटिकल पार्टी दे थिंक टू टाइम्स और थ्री टाइम्स टू गिव टिकट टू एनी वुमेन वुमेन कंटेस्टेंट और वुमेन कैंडिडेट. व्हाई दिस हैपन. व्हाट इज द थिंकिंग. क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रिपीट. Okay, why in our society there is a thinking of political parties to give more tickets to male candidate as compared to female according to our Indian society. Ma'am, because in my opinion I think Indian society thinks that female have more responsibilities in households. And they are not capable of maintaining the responsibilities in administrative systems or in government. Yes, but it's not true. Females can manage both, but you know most of the political parties these are controlled by the male leaders hote hain. So male leaders unko ye lagta hai ki unke samne jo women hain to first of all they are weak,
सेकेंडली उनको ये लगता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कोई लीडर जो है वो अगर किसी विमेन कैंडिडेट को अगर टिकट देते हैं तो विमेन जो है वो ज्यादा पॉपुलरिटी गेन नहीं कर पाएंगी एज कम्पेयर टू मेल। और पॉलिटिक्स में बहुत से ऐसे ट्रिक्स होते हैं, डर्टी ट्रिक्स होते हैं, या हम कहते हैं अनफेयर मीन्स होते हैं, जो आई थिंक मेल कर लेते हैं लेकिन फीमेल नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन होता है जीतने का, ठीक है, तो जीतने के लिए यहाँ पे लोग कुछ भी करते हैं। तो मे बी ये एक रीजन होता है कि हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फीमेल जो है वो आगे नहीं आ पाती। इवन फैमिली की ही बात करें, आप फैमिली में कोई अगर ये जो गर्ल ये कहती है कि हाँ जी, कभी किसी को सुना आपने किसी को कहते हुए कि हाँ जी आप क्या बनना चाहते हैं? कोई गर्ल कभी कहती है कि मैं एमपी या एमएलए बनना चाहती हूँ? Have you ever listened? नैना, तो कहता है ऐसे कि हाँ जी मैं तो लीडर बनना चाहती हूँ, मैं एमपी बनना चाहती हूँ, मैं एमएलए बनना चाहती हूँ? नो, है ना, यही रीजन होता है क्योंकि फैमिलीज भी, इवन अगर आप फैमिली में, आप सपोज अगर आप पेरेंट्स को भी कहोगे ना कि हाँ जी मैं लीडर बनना चाहती हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, तो वो आपको अपना जो आपका डिसीजन है, डिसीजन सोचने के लिए आपको कहेंगे कि हाँ जी शुड चेंज, क्योंकि हमारी फैमिलीज में ही जो है वो लोग फीमेल को पॉलिटिक्स के लिए प्रिपेयर नहीं मानते। दिस इज द रीजन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सजेशन क्या है? प्रॉपर कोटा फॉर वुमेन। अगर वुमेन आगे नहीं आएंगी पॉलिटिक्स में तो वुमेन की प्रॉब्लम्स कौन समझेगा और उनके लिए डिबेट एंड डिस्कशन कौन करेगा? हमारी कंट्री में वुमेन की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट लॉज बनते हैं, ठीक है, मैन दे हैव formulated many laws in the society, but still so many you can say aspects are there that can be covered by the woman, ठीक है, और ये तभी होगा जब most of the जो मतलब women है they will come for, पहले तो वो आगे आएंगी, वो politics के लिए prefer political parties में जो है वो अपने आप को enroll करेंगी। second thing उनकी families prepare होंगी, third leaders prepare होंगे कि हाँ जी इन women को कुछ seats देंगी। तो यही reason है, no doubt हम कहते हैं कि counselors हैं हमारी मतलब कंट्री में, अर्बन बॉडीज में 1/3 सीट्स आर रिजर्व, गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है, बट वुमेन आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। एक ये भी रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि लीडर्स टिकट देते हुए ये सोचते हैं कि वुमेन दे आर वीक, दे विल नॉट बी कैपेबल ऑफ यू कैन से परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि फील्ड जॉब होती है, पार्टीज मेंबर्स को कई बार क्या होता है सिटी से बाहर भी जाना पड़ता है, अलग अलग रैलीज कवर करनी पड़ती हैं। तो ये भी एक रीजन होता है कि कई बार जो वुमेन है वो आगे नहीं आ पाती है। लेकिन हमारा सजेशन क्या है, प्रॉपर सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। कोटा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी कोटा होना चाहिए वुमेन के लिए, क्योंकि इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी तभी होगी जब नंबर ऑफ सीट्स विल बी इक्वल, ठीक है, इक्वल इक्वल होगा। अगर मैं ये कहती हूँ कि 545 है तो मैन और वुमेन इक्वल नहीं है सीट्स, है ना, मैनी फ्यू वुमेन आर एमपीज एंड एमएलएज। तो अगर पार्टिसिपेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली फिर आगे विमेन को उनके आस्पेक्ट्स, उनकी प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए लॉज भी नहीं बनेंगे। तो ये हमारा सजेशन है दैट प्रॉपर इंसेंटिव शुड बी गिवन टू वुमेन टू कम इन द पॉलिटिकल पार्टीज, टू कम इन द पॉलिटिक्स। कोटा होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का एनवायरमेंट सेफ होना चाहिए, ये गवर्नमेंट श्योर करे ताकि गर्ल्स अपने आप को वहां पे सेफ फील करें, ठीक है। और दूसरा क्या है, लीडर्स भी इस चीज के लिए प्रिपेयर होने चाहिए कि विमेन को भी आगे आने का मौका मिले, उनको टिकट्स दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट, और ये पार्टीज के लिए अगर कंपलसरी होगा तो ही, पार्टीज के लिए कंपलसरी करना पड़ेगा, अदरवाइज पार्टीज अपने सारे के सारे मेल कैंडिडेट्स को ही टिकट देंगे, ठीक है। नो डाउट वो एक सीट दे देंगे कि हाँ जी वुमेन को हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा डाउट होगा कि शायद कहीं यहाँ से वो हार ना जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्टेट फंडिंग। स्टेट फंडिंग ये हमने इलेक्शन में भी कवर किया था। स्टेट फंडिंग का मतलब क्या है, फंडिंग गिवन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, यानी कि इलेक्शंस के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ फंड दें, उस फंड में से वो इलेक्शन जीत कर दिखाएं ताकि ऑनेस्टी का लेवल जो है, ऑनेस्टी का जो प्रॉपर क्राइटेरिया है उसको मेंटेन किया जाए, और जो भी इलेक्शंस के टाइम पीरियड में मनी जो है वो वेस्ट किया जाता है उसको रोका जाए, और जितना गवर्नमेंट स्पेंड करने के लिए लिमिट लगाती है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टेट फंडिंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो कुछ फंड प्रोवाइड करे, सिर्फ उसी फंड में से ही रैलीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी खर्चा है पार्टी का वो किया जाए, और उतने से ही हर पार्टी जो वो जीत कर दिखाए तो ही हमारी कंट्री में रियल जो है वो डेमोक्रेसी शो होगी, ऑनेस्टी लेवल क्राइटेरिया शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ये भी सजेशंस हैं कि पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट प्रमोट कॉम्युनल इशूज, कॉम्युनल इशूज प्रमोट नहीं करने चाहिए, रिलीजन्स या जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं जो जिसमें रिलीजन
या फिर कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं, उनको इलेक्शंस के टाइम में हाईलाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनके बेसिस के ऊपर वोट्स नहीं मांगने चाहिए। देन क्रिमिनल कनेक्शंस, यानी कि लीडर्स का किसी भी तरह से क्रिमिनल कनेक्शन उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए इलेक्शंस के टाइम पीरियड में, या वैसे भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिमिनल कनेक्शन के साथ किसी भी तरह से कोई भी जो रिलेशंस हैं वो नहीं होने चाहिए उनके, और अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन कमीशन को उनकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल करनी चाहिए। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? जिनको इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट देता है, दीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ जी अरमान, आपका हैंड रेज है बच्चे, हाँ जी कीप ए माइक ऑन। मैम लास्ट ईयर आपने जैसे कहा था कि इलेक्शंस वाले चैप्टर में कि 2 महीने पहले सारी रैलीज वगैरह बंद हो जाती हैं और जो हम वोटर्स हैं उनको सोचने का मौका मिलता है मैम, पर अगर कोविड ना होता तो यहाँ पे भी रैलीज होती। टू डेज आपने क्या बोला? टू डेज है, 2 दिन पहले होती है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब 2 दिन पहले, यानी कि इलेक्शन जिस दिन वोटिंग होती है उससे 2 दिन पहले रैलीज बंद होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है उनको फॉलो करना पड़ता है, 2 दिन पहले होते हैं, नॉट टू मंथ्स नहीं है बच्चे। अरमान हाँ जी कीप ए माइक ऑन। यस मैम, अब आपका क्वेश्चन क्या है? अब आप क्या, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ जी मैम यही पूछना था बस। ओके, सेकंड थिंग आप कह रहे हो ना कि कोविड टाइम पीरियड में, तो अगर आप न्यूज़ पे पढ़ोगे ना तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, ये डिजिटल रैलीज भी हो सकती हैं, डिजिटल रैलीज ऑनलाइन रैलीज हो सकती हैं, जो लीडर है अपनी स्पीचेस जो हैं वो टेलीविजन या मतलब न्यूज़पेपर में जो उनके पैम्फलेट्स हैं या कुछ है, ऐसे भी हो सकते हैं, एंड डोर टू डोर कन्विंसिंग जो है वो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके। एटलीस्ट आई थिंक अब जो उन्होंने कहा है ना डोर टू डोर कन्विंसिंग के लिए ओनली फाइव मेंबर्स उन्होंने लिमिट किए हैं, मतलब इस सिनेरियो को देखते हुए, ताकि सोसाइटी में मतलब जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट, जिस दिन से अनाउंसमेंट हो जाती है ना, जैसे अब अनाउंसमेंट हो गई है कि 14 फरवरी को इलेक्शंस होने, तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की फॉर्म में निकाले हैं, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज को ये नॉर्म्स फॉलो करने ही पड़ेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने नॉर्म्स लगाए। क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। I think points are clear to you. अब बच्चे हम करेंगे इसके बाद types of party system. ठीक है, ये question जो है वो इसके दो तरह से question है, एक तो है party system, एक होता है types of parties. ठीक है, party system का मतलब होता है system कि country में कौन सा system है, one party है, by party है या multi party, वो होता है party system. ठीक है, बेसिकली वन पार्टी, बाय पार्टी एंड मल्टी पार्टी। बाय पार्टी को टू पार्टी भी कहते हैं। ये हो गया पार्टी सिस्टम। दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ पार्टी, नंबर वन नेशनल, नंबर टू स्टेट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल जैसे इंडिया नेशनल कांग्रेस और बीजेपी जो पूरी कंट्री में इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, स्टेट पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन जैसे अकाली दल पंजाब में है, शिवसेना महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं पार्टी सिस्टम। नंबर वन, वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम बेटा जो है जिसमें, इसका मतलब ये नहीं कि उस कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, और भी पार्टीज हैं, लाइक आपने 9th में पढ़ा था ना चाइना में, मैक्सिको में, है ना, और भी बहुत सी पार्टीज होती है, स्मॉल पार्टीज आर देयर, बट इलेक्शंस आर ऑलवेज मैनेज टू विन बाय ओनली सिंगल पार्टी, हमेशा एक ही पार्टी होती है। ठीक है, इन दिस सिस्टम ओनली वन पार्टी कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, एक ही पार्टी का कंट्रोल होता है और वही पार्टी जो है वो हमेशा जीतती है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, इसका एग्जाम्पल
आपको इसका एग्जांपल याद करना है, विच इज एग्जांपल ऑफ वन पार्टी नेशन, कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। ठीक है, अब वन पार्टी सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, एक ही पार्टी हमेशा मैनेज करती है, हमेशा वही जीतती है, और भी पार्टीज होती हैं, लेकिन उन वो पार्टीज कभी भी गवर्नमेंट नहीं बना पाती हैं, उनको कभी मेजोरिटी नहीं मिल पाती। ठीक है, और जब आप ये बच्चे ऐसे लर्न करते हो ना वन पार्टी या कोई भी आपको आएगा, तो आपने साथ साथ ना इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी करने हैं, क्योंकि आपको एक ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है जैसे कंबाइन स्टेटमेंट आपको अलग अलग से भी आ सकता है, आपको ये भी आ सकता है, सपोज नो सिस्टम इज आइडियल फॉर एनी नेशन फॉर एनी कंट्री। इसमें हमने बताना है कि कोई भी जो पार्टी सिस्टम है वो 100% आइडियल नहीं है। नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल का मतलब होता है ना ये 100% एक्यूरेट है, ना ये 100% एक्यूरेट है, ना ये 100% एक्यूरेट है। हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़े करेंगे जैसे एक एक एडवांटेज, एक आप इसका करो एडवांटेज और एक करते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, कंबाइन क्वेश्चन सपोज आपको ये पूछा जा सकता है विच पार्टी सिस्टम इज आइडियल, तो आपने ये बताना नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल बिकॉज ईच पार्ट, फिर आप बताओगे वन पार्टी भी होता है, बाई पार्टी भी होता है, मल्टी पार्टी भी होता है, बट ईच पार्टी सिस्टम हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो आप बताओगे वन पार्टी कौन कौन सी कंट्रीज में है, बाई पार्टी कौन सी कंट्रीज में, मल्टी पार्टी कौन सी कंट्रीज में है, इनके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज। इन द एंड आप ये कहोगे कि हर पार्टी अपनी जो है वो उनकी ज्योग्राफिकल फीचर्स या अपनी जो है वो पर कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करती है, लेकिन कोई भी पार्टी सिस्टम किसी भी पार्टी में 100% हर एक की कोई ना कोई डिसएडवांटेज होती है, और अगर डिसएडवांटेज है तो इट मीन्स दीज आर नॉट 100% एक्यूरेट। ठीक है, अब वन पार्टी सिस्टम, अब खुद बताओ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज, जल्दी से हरी अप, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताना है। ठीक है, आगे देख लो बाई पार्टी, बाई पार्टी का मतलब क्या होता है, इन दिस सिस्टम सेवरल पार्टीज मतलब बहुत सी पार्टीज होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज रन और इलेक्शंस आर मैनेज टू विन बाय ओनली टू पार्टीज, सिर्फ दो पार्टी मेन होती है, बाकी और भी छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देना है आपने यूएसए एंड यूके, यूएसए एंड यूके में टू पार्टी सिस्टम है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे सिर्फ दो ही पार्टीज हैं, और भी पार्टीज हैं, पर इलेक्शन हमेशा जो है दोनों पार्टीज के बीच में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है वहां पे, और इन दोनों पार्टीज में कभी एक पार्टी जीती है कभी दूसरी पार्टी, मतलब लोग कभी एक को जो है वो मौका देते हैं कभी दूसरी को मौका देते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब एक ऐसी कंट्री, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर्स एंड गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज। मल्टी पार्टी में क्या होता है, मेजोरिटी पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं होती है, बहुत सी और भी पार्टीज उसके साथ ज्वाइन करती हैं और अलायंस बनाती हैं। तो मल्टी पार्टी में मेनली क्या देखा गया है, अलायंस और फ्रंट, जैसे लेफ्ट फ्रंट राइट फ्रंट अलायंस भी कहते हैं। ठीक है, और मल्टी पार्टी में बेसिकली क्या बनती है, कोलिजन गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि और भी छोटी छोटी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम सेवरल पार्टीज कम्पीट विद ईच अदर एंड गवर्नमेंट इज रन बाय और गवर्नमेंट इज मैनेज बाय फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पार्टीज। ग्रुप ऑफ पार्टीज का मतलब होता है कि तीन चार पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है और अलायंस बनता है। एट प्रेजेंट आपको पता कौन सा अलायंस है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसमें बीजेपी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में है, बाकी भी पार्टीज हैं लेकिन एनडीए जो है वो मेन अलायंस है। एक ही पार्टी नहीं है हमारी एट प्रेजेंट जो रूलिंग पार्टी है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अलायंस का मतलब है बीजेपी के अलावा और भी छोटी छोटी पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। फ्रंट भी कहते हैं, फ्रंट का मतलब होता है जब तीन चार पार्टीज इकट्ठी मिलकर पार्टी बनाती हैं अलायंस बनाती हैं। जैसे अगर पंजाब में देखा जाए तो पहले अकाली और बीजेपी का अलायंस था, लेकिन अब अलायंस टूट चुका है। और कई बार क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, ये इलेक्शंस में जीत जाने के बाद जब किसी एक पार्टी को वोट नहीं मिलते, मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते, देन सो मेनी पार्टीज ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिसे मिली जुली सरकार कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कभी बनती है, सपोज जीतने के लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी मतलब पार्टी को 350 सीट्स चाहिए, लेकिन किसी पार्टी को 350 सीट्स नहीं मिल रही,
तो ऐसे में छोटी छोटी पार्टीज क्या करती हैं, अपने जितने भी एमपीज अपनी सीट्स को कंबाइन करती हैं और मेजोरिटी प्रूव करती हैं प्रेसिडेंट के सामने, और उसके बाद उनमें से जिस पार्टी के मैक्सिमम वोट्स होते हैं उस पार्टी के लीडर उसको जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट करते हैं, और इस तरह से ये गवर्नमेंट बनती है। इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट, जब बहुत सी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो ये जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम, तो ये सिस्टम हर एक में कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है, किसमें एडवांटेज है हर एक के डिसएडवांटेज है। नंबर वन, वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम का बेस्ट एडवांटेज क्या है, डिसीजंस क्विकली लिए जाते हैं। अब साथ साथ ना आपने इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस माइंड में रखो। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, डिसीजंस फ्रॉम डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी ने मेंबर चेंज होते रहेंगे लेकिन पार्टी सेम रहेगी, तो वो डिसीजन उनको पता है कि हमारे साथ कोई और पार्टी नहीं है, जो भी उन्होंने बिल प्रेजेंट करना है, बिल पास करवाना है, वो इजीली करवा लेते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन ज्यादा नहीं होता और इसीलिए डिसीजन जल्दी ले लिए जाते हैं। ठीक है, वन पार्टी, वन पार्टी में क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि उसमें पार्टीज अपना सपोर्ट वापस नहीं लेंगी, तो एक ही पार्टी है उनको पता है वो स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है अगर एक 5 साल के लिए इनकी गवर्नमेंट बनी है तो 5 साल के लिए ही रहेगी, इनस्टेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं वन पार्टी में। ये हो गए एडवांटेज। दूसरी तरफ हो गए डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या होगा, एक ही पार्टी है तो डिक्टेटरशिप बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे रॉबर्ट मुगाबे, आपने 9th में पढ़ा था, मैक्सिको, PRI, रॉबर्ट मुगाबे, JANU-PF, ऐसी बहुत सी पार्टीज, ऐसी बहुत सी कंट्रीज के लाइव एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जिन कंट्रीज में जैसे अलग अलग एक ही पार्टी है, उनके लीडर्स ने अपने आप को उस कंट्री का डिक्टेटर बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवा लिया, डर्टी ट्रिक्स प्ले किए। तो कई बार क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम दैट कैन कन्वर्ट इनटू डिक्टेटरशिप, वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ बाई पार्टी। बाई पार्टी मतलब टू पार्टी। टू पार्टी सिस्टम के सबसे पहले एडवांटेज क्या, एडवांटेज का मतलब क्या होता है, चॉइस। यहाँ पे चॉइस नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी चॉइस नहीं है, एक ही पार्टी है, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ पे ये एडवांटेज हो गया कि ये चॉइस है, यहाँ पे दो हैं, ए है या बी है। ठीक है, यानी कि एक बार लोग ए को चांस देंगे, एक बार बी को चांस देंगे, फिर से ए को देंगे, बी को देंगे, तो अगर दो पार्टीज के बीच में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, दोनों पार्टीज अपनी तरफ से बेस्ट करेंगी, तो लोगों के पास क्या मिल जाती है, चॉइस मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका क्या है, बाय पार्टी का डिसएडवांटेज क्या होगा, सिर्फ दो ही हैं, मतलब उसमें हम उसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, सिर्फ दो चॉइस क्या है, सिर्फ दो ही हैं, ऑप्शन बहुत कम है, या ए या बी। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन डाला जाए कोई भी, उसमें दो ही आंसर है, ए है या 50-50 हो गया, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ऐसी कंट्रीज जो इंडिया जैसी अगर कंट्रीज हैं, मल्टी रेशियल मतलब मल्टी लिंगुअल कंट्रीज हैं, रिलीजन हैं, उन कंट्रीज में टू पार्टी सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों अलग अलग तरह के जो लोग हैं, डाइवर्सिटीज हैं, वो ऐसे पार्टी सिस्टम उनको जो है वो प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, बाय पार्टी सिस्टम। ठीक है, और हम क्या बता सकते हैं बाय पार्टी सिस्टम में, कि डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्रीज जो हैं उसमें ये बाय पार्टी सिस्टम इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता। अगर सिर्फ सोचो कि इंडिया में सिर्फ दो ही पार्टीज होती, ना कोई स्टेट पार्टी होती ना नेशनल, सिर्फ दो ही पार्टीज होती, तो जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी पर्टिकुलर हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये पार्टीज अच्छी तरह से नहीं समझ सकती, तो प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल कैन नॉट बी टैकल बाय ओनली दिस टू पार्टी सिस्टम। तो ये डिसएडवांटेज में आप बता सकते हो। नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में आपने बता दिया डाइवर्स, मल्टी पार्टी सिस्टम इज गुड फॉर डाइवर्स कंट्री, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लोगों का मतलब ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस होते हैं, तो ऐसी कंट्रीज में मल्टी पार्टी सिस्टम में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एरिया के लोगों को अच्छी तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती है। इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, अनस्टेबल गवर्नमेंट, इनस्टेबिलिटी। जब बच्चे कोलिजन गवर्नमेंट बनती है ना, तो पार्टीज की पॉन फाइटिंग विद ईच अदर, मेंबर्स की पॉन फाइटिंग विद ईच अदर, पार्टीज में स्प्लिट हो जाती है। देखा जाए तो हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स अपनी कंट्री की बता दोगे, जो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है, अब हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जल्दी से बताओ हरी, अब मल्टी पार्टी सिस्टम हमारी कंट्री का एग्जाम्पल है, जल्दी से बताओ क्या प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री में, ये सारा डिसएडवांटेज में बता सकते हो आप जल्दी। हाँ जी, रेज योर हैंड धवनेश। यस बच्चे, विच आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन आर कंट्री, अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स देखते हो ना बच्चे आप, डिसीजंस, नंबर वन डिसीजंस,
डिसीजन डिले होगा, टू मेनी पर्सन विल बी इन्वॉल्व, हर पर्सन का अपना ब्रेन होगा, हर पर्सन अपनी अथॉरिटी चाहेगा, ईगो प्रॉब्लम आएंगी, ईगो क्लैशेज आएंगे, तो डिले इन डिसीजन। नंबर टू, स्प्लिट इन पार्टीज। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, पार्टीज में लीडर्स आपस में क्या हो रहा है, उनके बीच में आपस में स्प्लिट हो रही है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, उनके व्यूज आपस में नहीं मिलते हैं तो लोग पार्टी छोड़कर एक और पार्टी बना लेते हैं। कीप ऑन चेंजिंग पार्टीज ऑल्सो, मल्टी पार्टी में क्या होता है, लोग ही लीडर ही पार्टी चेंज करते रहते हैं, कीप ऑन चेंजिंग पार्टी। ठीक है, और एनी अदर पॉइंट मल्टी पार्टी सिस्टम में। इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है उसकी इनस्टेबिलिटी रहती है, कभी भी एक पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, मेजोरिटी खत्म हो जाती है, फिर मिनिस्टर्स को आपस में ही जोड़ तोड़ करना पड़ता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। क्लियर? और इससे क्या है कि जब मिनिस्टर्स आपस में ही उनको टेंशन रहेगी तो वो अपनी टेंशन रहेगी एमपी बनने की या मिनिस्टर बनने की, उनको सारा साल तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? वेरी गुड अरमान, अर्शीन एंड मिष्टी। हाँ जी अरमान। मैम कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज रहती हैं हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिक्स जो है वो इतना ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि लोगों को ही नहीं समझ आता कि पार्टीज के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो पार्टी पे फेथ करें या नहीं। हाँ जी अर्शीन। यस बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम का बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे करप्शन आ जाता है। करप्शन आ जाती है, यस वेरी गुड। पॉलिटिकल पार्टीज में हर पर्सन जो है वो छोटी छोटी पार्टीज वो मिलकर आपस में सीट्स के लिए फिर गठजोड़ करती हैं, तो ये क्या करते हैं छोटी छोटी पार्टीज मिलकर आपस में फिर मिनिस्टर बनने के लिए उनके बीच में, अगर उनको मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तो वो पार्टी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से डिफेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में। वन पार्टी में तो हो ही नहीं सकते, टू पार्टी में कुछ होता है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में डिफेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ जी मिष्टी। यस मैम, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अदर पार्टीज एंड यूजिंग मनी एंड मसल पावर। सेम जो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स है आप बता सकते हो कि ये सारा मल्टी पार्टी सिस्टम जो है उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम, बट नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल। कोई भी पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री में आइडियल नहीं है, आज तक कोई भी पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री में 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। क्लियर? तो ये हमने सारा बताया इसका टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। आगे बच्चे आ जाओ, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। ठीक है, नेशनल पार्टी जो होती है वो नेशनल लेवल, स्टेट पार्टी सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट। इनके बीच में आपको लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, अब ये हमारा अब ये वाला पार्ट रह गया है जो हमने आइडियोलॉजीज करनी है। आइडियोलॉजीज का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री की, अब ये वाला जो पार्ट है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टी, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए डिफरेंस। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा डिफरेंशिएट इन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, टू यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स आपने डिफरेंस के बताने हैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स, एक ये इस तरह से प्रिपेयर करना आपने। नेक्स्ट हमने प्रिपेयर करना है इन पार्टीज की आइडियोलॉजी। लाइक आपको पता होना चाहिए कि अगर INC के बारे में अगर लॉन्ग क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि 5 मार्क्स अकॉर्डिंग हम INC में क्या लिख सकते हैं, उनकी फाउंडर ईयर, उनके मेंबर्स, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, करंट सिचुएशन का मतलब एट प्रेजेंट वो INC कहाँ एग्जिस्ट करती है। देन बीजेपी की करंट सिचुएशन क्या है, मेजोरिटी है, कितनी सीट्स ली इसने लोकसभा में, कौन है इसके करंट लीडर, तो आइडियोलॉजी क्या है इनकी, क्या क्या इनका मेन मैनिफेस्टो, जब भी इनका नया मैनिफेस्टो आता है तो इसमें इन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स रखे, वो हमने ऐसे बताना, किसी भी पार्टी का आ सकता है। दूसरी तरफ आपको आपकी बुक में जो एक मैप दिया गया है, इस मैप में आपको अलग अलग स्टेट्स की पार्टीज दी गई हैं, आपने रिकॉग्नाइज करना है पहले तो डायरेक्शन वाइज ईस्ट की कौन सी है, वेस्ट की कौन सी है, नॉर्थ की कौन सी है, साउथ की कौन सी है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी नेशनल है, कौन सी स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें 10 पार्टीज के नेम है, आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है आउट ऑफ दीज विच इज नेशनल विच इज स्टेट। ये तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आप उस मैप को थॉरली अच्छी तरह से लर्न करोगे। दूसरा आपको कैसे आ सकता है, सदरन, कोई भी सदरन मेन 5 आपने स्टेट पार्टीज बतानी है और उनके सिंबल्स बताओ, तो इट मींस अब आपने इनको अच्छी तरह से नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को लर्न करने के लिए सबसे पहले आपकी बुक का जो मैप है उस मैप में अलग अलग स्टेट वाइज पार्टी और उनके सिंबल्स दिए गए हैं, तो हर रोज एटलीस्ट 2 पार्टीज के नेम और सिंबल्स आप अच्छी तरह से लर्न करो सो दैट यू कैन प्रिपेयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस।
चैप्टर इन फाइव, अगर ये इस पर्टिकुलर पार्ट से ही अगर आपको फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये पार्टीज जो है वो अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी. क्लियर? इट्स टाइम ओवर नाउ, गोइंग टू एंड इट. एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? नो?